दोस्तों स्पाइडर भी हमारा बैठे बैठे थक गया। आप देख सकते हो कैसे गाड़ी में बैठा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और हम यहाँ से निकल रहे हैं लखीमपुर खीरी से। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। चलो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहना। दोस्तों ये तीरा नदी है, शारदा नदी जिसे बोलते हैं। आप देख सकते हो कितनी बड़ी नदी है। ये दो पुल है, एक रेलवे वाली। ये भी हर साल यहाँ पानी काफी आता है। दोस्तों हम यहाँ एक छोटे से शहर में रुके हैं, आगे जंगल वाला रास्ता आने वाला है, इसलिए हम बंदरों के लिए चने ले रहे हैं। 2-3 किलो चने ले रहे हैं और बंदरों को खिलाएंगे और चलते हैं आगे, जंगल वाला रास्ता आने वाला है। दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहना। दोस्तों तो आप देख सकते हो ये चने मैं कट्टे में डलवा रहा हूँ, इनके पास भी ख़त्म हो गए थे, किसी दुकान से मंगाए हैं। 2-3 किलो लगभग हो गए, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। जंगल वाला रास्ता आ गए हम और मंकी को हम चने डाल रहे हैं। जंगल वाला रास्ता है, ये चेक पोस्ट है वन विभाग की। तो ये कितना घना जंगल है देख सकते हो आप। आगे बहुत सारे मंकी आएंगे, आप देख सकते हैं। सामने चीतल है, दोस्तों ये सामने देखो हिरन के बच्चे, छोटे छोटे जानवर, और वो आगे जंगल में बैठे हिरन बहुत सारे। दोस्तों ये सामने देख सकते हैं आप चीतल के बच्चे, तिरंगे ये सांप दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये चने हैं। अभी हम आगे बंदरों को डालेंगे, आगे बहुत सारे बंदर हैं। हमने आते समय देखे थे यहाँ रास्तों में, हमने सोचा वापसी में इनके खाने के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे। दोस्तों इधर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ शेरों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। दोस्तों यहाँ ज़्यादातर चीतल दिखाई देते हैं, यहाँ पीछे बोट लगा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर हिरन ही हिरन दिखाई देते हैं जंगल में। दोस्तों स्पाइडर भी हमारा बैठे बैठे थक गया, आप देख सकते हो कैसे गाड़ी में बैठा है, बस इंतज़ार कर रहा है कब पहुँचे हम घर और कब गाड़ी से मैं उतरूँ। दोस्तों आप देख सकते हो नील गायें कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये आगे साफ दिखाई दे रही हैं। अब ये देखो 5-6 नील गायें बिल्कुल काले कलर की, और दोस्तों आगे जानवर भी हैं। देख सकते हो कैसे हमें देख रही हैं, देखो कितनी कितनी बड़ी हैं। दोस्तों ये पूरनपुर से आगे एक नहर है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी नहर है और पानी भी बहुत सारा है, बहुत बड़ा बड़ा पानी है, काफ़ी बड़ी नहर है। इस तरफ भी आप देख सकते हो, ये पूरनपुर से आगे नहर पड़ती है पीलीभीत से पहले, वो आगे ये बोट लगा हुआ है। खटीमा 37 किलोमीटर, टनकपुर 65,
बुकिंग काउंटर। दोस्तों यहाँ अभी टाइगर रिजर्व पड़ जाता है, ये जंगल देख सकते हो, यहाँ फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है और काफी घना जंगल है। अब हम जंगल वाले रास्ते निकल रहे हैं। दोस्तों ये जंगल से थोड़ी सी आगे जाके एक पुलिया आ गई, आप देख सकते हो पुल, लाल पुल से बोलते हैं, और आप पानी देख सकते हो यहाँ। इस पुल को लाल पुल बोलते हैं। सामने देख सकते हो कितनी प्यारी जगह लग रही है। दोस्तों ये आगे भालुओं का इलाका आ गया, यहाँ पर ज़्यादातर भालू रहते हैं, और लिखा हुआ था कि रोड पार करने दें इन्हें जानवरों को। दोस्तों ये एक बैराज है जंगल के अंदर, ये खटीमा से पहले पड़ता है, और यहाँ तर हाथियों का ज़्यादा खतरा है। एक बोर्ड भी लगा हुआ आगे, और ये होटल टाइप का है छोटा सा। देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है। दोस्तों पूरे रास्ते हम एंजॉय करते आए हैं, जंगल में जंगली जानवर भी देखे हैं और भी, लेकिन शेर और हाथी नहीं हमने देखा। अभी सफ़र थोड़ा और भी है, अभी चलो वीडियो के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं यार। दोस्तों इस टाइम पहुँचे हम लुद्धरपुर, और एक दो घंटे हो गए पहुँचे हुए। थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई मेरी, बुखार हो रहा है, और मेरा लड़का भी बार बार पूछ रहा है डैडी कब ब्लॉग स्टार्ट करोगे। मैंने बेटा अभी बनाते हैं। दोस्तों अभी चाय पी लिए, अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। इस टाइम मैं सिस्टर के आया हूँ अपने जीजा के घर, अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं। दोस्तों इस टाइम मैं जीजा के साथ बाज़ार में आया हूँ, और यहाँ का बाज़ार है छोटा सा, यहाँ सब्ज़ी लेने आए हैं। घर जाने में तो हमें टाइम लग जाएगा, लगभग 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, रात हो जाएगी। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों।